बेस ऑफ ज्योमेट्री का ये पार्ट 25 है, तो पार्ट 24 में तुम लोगों को कोण के बारे में बतलाए थे ना, कोण के बारे में नहीं बतलाए थे बल्कि कोण के आधार पर त्रिभुज के बारे में बतलाए थे। तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, इसमें बच रहा था समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी तो परिभाषा फेमस है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम तुम लोगों को 4-5 परिभाषा बतलाएंगे। तो पहली परिभाषा ये है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, जैसे मान लो सबसे पहले 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा जब बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, यहाँ ए बी सरल रेखा पर सी ए बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये कोण हो गया 90 डिग्री। और त्रिभुज कितने भुजाओं से घिरा क्षेत्र होता है, तीन, उसमें एक भुजा ए बी हो गया, दूसरा ए सी हुआ, अब सी को बी से मिला दो, तीन भुजा से घिर गया और एक कोण 90 डिग्री भी हो गया। तो ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल जरूरी नहीं है इस ओर ही हो, ऐसे भी हो सकता है ए बी सी ये भी 90 डिग्री हो गया ना, ऐसा भी आकृति बन सकता है, ऐसे भी दे सकते हो। ये हो गया 90 डिग्री, इसको ऐसे उलट करके देखोगे तो बतलाते हैं, फिगर कागज पर दिखलाते हैं, ये भी 90 डिग्री हो गया, ऐसा भी समकोण त्रिभुज हो सकता है। फिर आ जाओ इधर से, ये कोण 90 डिग्री हो गया, तो ए बी सी ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज हुआ। समझ रहे हैं बात को, ये हुआ एक सरल रेखा, इस पर 90 डिग्री का कोण मान लो ये है, तो ए इसको मिला दो, बी सी इस तरह से भी हो सकता है। पांच आकृति बनाए हैं, पांचों आकृति में देखो तो एक कोण 90 डिग्री है जी। तो समकोण त्रिभुज की पहली और विख्यात परिभाषा यही है जी। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके अलावा और भी हम परिभाषा बतलाते हैं, तो पहले इसको लिखाते हैं। देखो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब एग्जांपल में देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 समकोण त्रिभुज है। कैसे, प्रत्येक में एक एक कोण 90 डिग्री है। अब ध्यान दो, देखो ये इस ढंग से है ना जी, इसको ऐसे कर दिए तो दूसरा चित्र हुआ, फिर इसको ऐसे कर दो तो तीसरा चित्र हुआ, इसको ऐसे घुमा दो तो इस चित्र से मिलाओ, चौथा चित्र हुआ, यहाँ पर आ जाओ, इसको देखो ऐसे कर दिए हैं, ये पांचवा चित्र हुआ, इसको फिर ऐसे घुमा दो, ये छठा चित्र हुआ। तो समकोण त्रिभुज इस ढंग से हम लोग बना सकते हैं। बोर्ड को तो नहीं घुमाएंगे तो ठीक से समझ में आएगा, इससे समझ में आ गया बोलो तो। तो ये हुई पहली परिभाषा, अब दूसरी परिभाषा बतलाते हैं। देखो दूसरी परिभाषा,
तुम लोग को ये बतलाए हैं, हालांकि थ्योरम बतलाएंगे साबित करें कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो, समझा ना, प्रत्येक त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मान लो ये एक त्रिभुज है, इसका ये कोण है 50 डिग्री, ये कोण है 40 डिग्री, समझा। तो तीन कोणों का योग यानी कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ सी, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ सी, तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो और कोण ए कितना हो गया 40 डिग्री, कोण बी निकालना है, कोण सी कितना हो गया 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 40 से 50 दोनों को जोड़ दिए प्लस बी, कोण बी बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण बी बराबर 180 डिग्री। प्लस 90 आगे जाएगा तो माइनस 90 डिग्री, 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटाओ 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये कोण कितना है 90 डिग्री। तो इसका अर्थ ये है जब त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो तीसरा कोण स्वतः 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें दो मत तो नहीं है। तीन घर का कोना है, तीनों कोना में मिला करके 180 रुपया रखा हुआ है, जिसमें एक कोण में 50 रुपया है, दूसरे कोण में 40 रुपया है, तो तीसरे कोण में कितना होगा 50 40 90 जमा भीतर में 180 है, तो 180 रुपया में से दो कोना में दो कोना में 90 रुपया घटा दो तो बचा हुआ रुपया तीसरे कोने में है। इसका अर्थ है जिस त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो निश्चित तौर पर तीसरा कोण 90 डिग्री ही होगा, कोई दो मत तो नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं जिस त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से सोचो, अगर किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो तीसरा कोण 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं जिस त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्यों, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा, अपने आप। समझा इस बात को, तो दूसरी परिभाषा क्या हो गई, जिस त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्यों कहेंगे कारण पता चल गया। तो दूसरा परिभाषा हम लिख रहे हैं, जिस त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए ट्रायंगल व्हिच सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका भी चित्र कैसे बनेगा, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री दिखलाओगे तो तीसरा कोण 90 डिग्री होगा ही, इसीलिए हूबहू वैसा ही चित्र बनेगा। एग्जाम्पल तीनों चित्र में देखो, चित्र ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है 30 डिग्री, कोण सी है 60 डिग्री, तो 30 और 60 90, तो ये कोण स्वतः 90 हो जाएगा, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हुआ। और दो कोणों का योग परिभाषा के अनुसार जिस त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए ट्रायंगल व्हिच सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो दो कोण का योग 90 डिग्री है तो किसी भी हाल में तीसरा कोण 90 डिग्री होगा ही। सेकंड चित्र में कोण एफ आई 20 डिग्री, कोण ई है 70 डिग्री, तो 20 और 70 90, दो कोणों का योग 90 हो गया तो तीसरा कोण 90 होगा ही, इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज है। तीसरा चित्र
कोण एच है 45 डिग्री या कोण के है 45 डिग्री, तो 45 45 तो तीसरा कोण 90 होगा जी। तो समकोण त्रिभुज हुआ। इस परिभाषा को समझा की तरह जी। अब तीसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा को समझने से पहले एक बात देखो, किसी भी कोई बिंदु ओ है उसके चारों ओर का टोटल कोण कितना होगा? 360। ये तो कई बार बतलाए हैं। मान लो कोई सरल रेखा है तो ये बिंदु लिए कहीं पर ले लो, तो मान लो यहीं पर लेते हैं, तो ए बी सरल रेखा है, बिंदु ओ के चारों ओर बनने वाले कोण टोटल 360 डिग्री होगा। अब देखो मान लो ये एक त्रिभुज है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, ये नियम कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, बिंदु ए के चारों ओर टोटल कोण कितना होगा? 360। इसमें से ये हो गया 90, तो बटा हुआ ये कोण कितना होगा बोलो? 360 में से ये 90 घटा दो, यानी हटा दो, तो 360 डिग्री में से 90 डिग्री घटाएंगे तो 270 डिग्री होगा, होगा ना? इसका मतलब ये रंगीन पोर्शन वाला कोण कितना है? 270 डिग्री है ना जी। तो अगर हम लोग ये हो गया 270 डिग्री, तो त्रिभुज का ये वाला कोण अंदर का कोण यानी अंतः कोण कहलाता है, और ये बाहर का कोण यानी बाह्य कोण कहलाता है, कहलाता है ना। तो जिस त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर, यहाँ ये ए बी सी वर्टेक्स शीर्ष कहलाएगा, तो तीन कोण में से कोई एक बाह्य कोण, जैसे तीन बाह्य कोण होगा ना बाहर वाला जी। तो किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण, किसी शीर्ष पर बना एक बाह्य कोण अगर 270 डिग्री होगा, तो ये भीतर वाला कोण स्वतः 90 डिग्री हो जाएगा जी। इसका अर्थ है ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज के एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण 270 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। पहले ये सोचो क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये भीतर वाला कोण 90, ये 270, टोटल 360 हो गया। इस परिभाषा को समझा तू लोग, तो जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष में से किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण 270 डिग्री का हो, तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अच्छी तरह दिमाग में घुसा? चलो तो इसको लिखते हैं, परिभाषा लिख दिए हैं। जिस त्रिभुज के तीन शीर्ष में से किसी एक शीर्ष पर बना बाह्य कोण 270 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल भूज एक्सटेरियर एंगल मेड एट वन ऑफ द थ्री वर्टिसेस इज 270 डिग्री, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। चित्र तो इससे पहले जो बतलाए 6 प्रकार का सब बना सकते हो ना। ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण हो गया 270 डिग्री, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा ही, तर्क हम दे दिए हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज, जैसे चित्र बनाओ बाह्य कोण दिखलाना है, ये हो गया 270 डिग्री, यदि हो गया समकोण त्रिभुज, तो इस तीसरी परिभाषा को अच्छी तरह समझ गया। इसके बाद अब आओ चौथी परिभाषा पर, चौथी परिभाषा उन लोगों को ये बतलाए हैं
मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इससे पहले बताए थे ना, ये हो गया तुमको कर्ण। जरूरी नहीं है आप इसमें हम अलग से लंब आधार बतलाएंगे, तो फिलहाल चलो ना, अगर इसको आधार मानोगे तो ये हो गया लंब, इसको लंब मानोगे तो ये होगा आधार। इसमें एक फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार, समझा? हाँ, पाइथागोरस का ये है कर्ण। तो इसका अर्थ हुआ आधार, चलो ये आधार है कोई बात नहीं। अब देखो ये इससे आगे बतलाएंगे, मान लेते हैं लंब हो गया 4 मीटर, ठीक है, आधार हो गया 3 मीटर, तो कर्ण कितना होगा? तो फार्मूला में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब हुआ 4 मीटर, तो 4 मीटर का स्क्वायर जोड़ आधार हो गया 3 मीटर, तो 3 मीटर का स्क्वायर बराबर 4 × 16 मीटर स्क्वायर, 3 × 9 मीटर स्क्वायर होगा ना, 4 मीटर को 2 बार गुना करोगे तो 4 × 16 मीटर, मीटर को गुना करोगे मीटर स्क्वायर, तो 16 × 9 = 25, तो 25 मीटर स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 25 मीटर स्क्वायर, इसलिए कर्ण बराबर रूट अंडर 25 मीटर स्क्वायर, तो 25 का वर्गमूल 5, और मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर निकल जाएगा तो 5 मीटर, कर्ण कितना हो गया 5 मीटर, समझा बात को? उदाहरण तो और दिया जा सकता है, तो इसमें एक चीज ध्यान दो, 5 मीटर का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, यानी 5 मीटर का स्क्वायर बराबर ये हो गया 25 मीटर स्क्वायर, हल करके तो बराबर 4 मीटर का स्क्वायर प्लस 3 मीटर का स्क्वायर, तो बराबर 4 × 16 मीटर स्क्वायर होगा, 3 × 9 मीटर स्क्वायर, 16 × 9 = 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर बराबर 25 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका अर्थ हुआ समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम है जो 10th में है, तो लोग 9th का सिलेबस पढ़ रहे हो, जब किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यहाँ सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग देखो 5 मीटर का वर्ग, अगर अन्य दो छोटी भुजाओं 5 मीटर से 4 मीटर और 3 मीटर छोटा है ना, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी 5 मीटर का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, छोटी भुजा 4 मीटर का वर्ग जोड़ ये छोटी भुजा 3 मीटर का वर्ग, दोनों को हल करके कितना आ गया 25 मीटर स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होता है। फिर पंक्ति सुनो, अगर किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होता है। उसे साबित करना पड़ता है 10th में, लेकिन यह एक परिभाषा के रूप में ही है। अब इस पर एक और उदाहरण ले सकते हो,
जैसे मान करके चलो ये उदाहरण है, अब देखो ये उदाहरण, ये भी समकोण त्रिभुज ही है, ये मान लो 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें 10 मीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी 10 मीटर का वर्ग 10^100 वर्ग मीटर हुआ, यानी 100 मीटर स्क्वायर, ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 10 मीटर का वर्ग, 10 मीटर का वर्ग का मतलब 10 मीटर का होल स्क्वायर, तो 10 मीटर का होल स्क्वायर 10^100 मीटर का मीटर स्क्वायर 100 वर्ग मीटर स्क्वायर हुआ। देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर है, ये छोटी भुजा है ना 8 मीटर, 10 से छोटी है, 10 से छोटी ये 6 मीटर है, तो ये भी छोटी भुजा है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 8 मीटर का स्क्वायर 80 64 मीटर स्क्वायर होगा, ये 6 मीटर का स्क्वायर 6 को 6 से गुना करेंगे 36 मीटर स्क्वायर, दोनों तो 64 36 100 मीटर स्क्वायर हुआ। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है जी। तो ऐसी स्थिति में ये समकोण त्रिभुज ही होता है और सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है, ये साबित करना पड़ता है। तो इसी परिभाषा को हम लिखने जा रहे हैं, 8 मीटर 6 मीटर 9 मीटर तब ये समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं, समझ गया बात। तो ये चौथी परिभाषा क्या हो गया, जिस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है और सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है, समझ गया इसको। इसको हम लिख रहे हैं, देखो ये परिभाषा बतलाए हैं तो लिखा दिए हैं, अगर किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू स्मॉलर साइड देन सच ए ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। उदाहरण में 3 उदाहरण दिए हैं, देख लो ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा है ये सी डी या बी सी को, तो बी सी स्क्वायर 5×25 होगा नी, इधर 4×16 = 96, तो दो छोटी भुजाओं का 16×9 = 25, इसका 5×25 बराबर हुआ। दूसरे में देखो सबसे बड़ी भुजा 10 मीटर है तो 10 मीटर का स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, अन्य दो छोटी भुजा का स्क्वायर दो रो तो 88 64 36 64 36 100 मीटर स्क्वायर होगा। तीसरी भुजा में सेम कहानी, सबसे बड़ी भुजा 15 मीटर है, इससे छोटी 12 मीटर और इससे छोटी 9 मीटर, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी 15 मीटर का वर्ग 15×15 = 225 वर्ग मीटर, ये 12×12 को गुना करोगे 144 और 9×9 = 81, 144 + 81 = 225 वर्ग मीटर, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है, इसीलिए यह समकोण त्रिभुज ही होगा और सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री का कोण होगा, समझ गया। एक परिभाषा और बता देते हैं, पांचवी परिभाषा देखो लास्ट में है, सर्किल यानी वृत्त, दूरी के आकार का जो कुछ भी होता है ना, महिला सब जो दूरी बांधती है उसको हम लोग वृत्त कहते हैं, ऐसा ही ना होता है, इसको आधा कर दो तो यहाँ पर ये केंद्र होता है, आधा कर दो तो ऊपर से मिटाओ या नीचे से मिटाओ, आधा वृत्त हो गया, यानी इसको अर्धवृत्त कहते हैं।
ऐसा धनुष होता है, धनुष देखा है तू लोग, इस टाइप का भी धनुष होता है जी। तो इसमें हम लोग जो भी